पूरे विश्व में ऐसे कई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन समय में पूरे विश्व में सनातन धर्म ही प्रचलित था। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसे देखकर आपको खुद के हिंदू होने पर गर्व होगा, साथ ही आपको पता चलेगा कि पहले के कई अन्य देशों में भी केवल एक ही धर्म माना जाता था और वह धर्म था सनातन धर्म। आज हम आपको जापान में पूजे जाने वाले कई ऐसे देवी देवताओं के बारे में बताने वाले हैं जिनका उद्भव हिंदू संस्कृति से ही हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञान की देवी सरस्वती की, जिन्हें जापान में बेंजाइटन कहा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार मां सरस्वती अपने हाथों में वीणा धारण किए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार देवी बेंजाइटन भी अपने हाथों में एक संगीत वाद्य यंत्र धारण किए हुए हैं। दोस्तों, दोनों ही देवियों को विद्या की देवी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बुद्धि, शुभता और लाभ के देवता श्री गणेश जी की, जिन्हें जापान में कांगी तेन के नाम से पहचाना जाता है। जापान में कांगी तेन या कांगी टेन को मूर्तियों में गणेश जी के समान गजमुख और मानव शरीर के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, बताया जाता है कांगी तेन पहली बार 8वीं-9वीं शताब्दी में जापान के एक बौद्ध पैंथियोन के वर्णन के अनुसार एक गौण देवता के रूप में उभरे तथा बाद में जापान में एक मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किए गए। विश्व में प्रत्येक व्यक्ति धनवान होना चाहता है, इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना सबसे ज्यादा की जाती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को जापान में किज जोटेन कहते हैं। वह लक्ष्मी देवी की तरह ही भाग्य, सौंदर्य और योग्यता की देवी बताई जाती हैं। दोस्तों, आप इन चित्रों की सहायता से आप यह बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जापान की किज जोटेन देवी माँ लक्ष्मी से ही प्रभावित होकर बनाई गई हैं। अब हम बात करते हैं देवताओं के राजा इंद्रदेव की, जिन्हें जापान में तैसाकुटेन के नाम से जाना जाता है। जापानी देवता तैसाकुटेन भी इंद्र के समान स्वर्ग में रहते हैं तथा अन्य देवताओं की सहायता से शासन करते हैं। इंद्रदेव की भांति ही तैसाकुटेन को भी समुद्र और युद्ध का देवता माना जाता है, जो असुरों से अन्य देवताओं और मनुष्यों की रक्षा करते हैं। इंद्र भगवान की तरह ही तैसाकुटेन का भी वाहन हाथी है तथा ये भी हाथों में इंद्रदेव की तरह ही वज्र धारण करते हैं। जापान में मृत्यु का देवता इमाटेन भगवान को माना जाता है। जब हम हिंदू ग्रंथों की बात करते हैं तो वहां हमें भगवान यमराज के बारे में पता चलता है। आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि जापानी देवता इमाटेन और भगवान यमराज में बहुत अधिक समानताएं हैं। दोनों ही ईश्वर भैंसे की सवारी करते हैं और दोनों ही मनुष्य के जीवन के कर्मों के हिसाब से उसकी मृत्यु के बाद सजा सुनाते हैं। दोस्तों, आशा है आपको आज की हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।